हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? मैं सोहेल सर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर पर स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट सिंपल्स। आई थिंक आप सभी ओ लेवल या ट्रिपल सी के सारे ही स्टूडेंट्स देख रहे होंगे इस वीडियो को। इस वीडियो में हमें प्रियोरिटी रहनी है जो सिंपल्स होते हैं हमारे कीबोर्ड और नॉर्मल, उस पर जो फंक्शन कीज दी रहती हैं उनके जस्ट नीचे नंबर दिए रहते हैं, आई थिंक सभी को पता होगा। और वो नंबर्स जो होते हैं उनकी सीरीज कुछ इस प्रकार से होती है, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 0, उसके बाद ब्रैकेट और ब्रैकेट के टाइप्स होते हैं। और जो नंबर्स दिए रहते हैं उनके बैकग्राउंड में हमें कुछ साइन और सिंबल्स नज़र आते हैं, तो उन सिंबल्स के नेम क्या हैं ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि किस साइन का क्या नेम है। तो उसी टॉपिक के साथ में आज हम प्रेजेंट हुए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मिस बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो एक भी साइन आपका छूट गया तो शायद वही आपके एग्जाम में आ जाए और आप उसको ना सॉल्व कर सकें। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, चलते हैं आज का कंटेंट शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो साइन दिया गया है, जो कि आपने इस तरीके से यहां पे देखा, इसका नेम होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। इस साइन को बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके सामने साइन दिया गया है वो सभी को आई थिंक पता होगा, जो कि क्या है आपका एट द रेट। इसको क्या बोलते हैं? एट द रेट। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है आपका? टाइटेड। टाइटेड। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ग्रेव एसेंट। ग्रेव एसेंट। वीडियो बहुत ही लॉन्ग नहीं होगा, आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, 5 से 10 मिनट के अंदर ही वीडियो हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ग्रेव एसेंट, सभी को पता होगा आई थिंक। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है हैशटैग, जिसको हम लोग नंबर साइन भी बोलते हैं, हैशटैग या नंबर साइन। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है डॉलर। अब डॉलर के कई और भी टाइप्स हो सकते हैं, बट यहाँ पे जो कीबोर्ड में बताया गया है वो क्या है आपका? डॉलर साइन। अब डॉलर वो किसी भी कंट्री का हो सकता है, अमेरिकन हो सकता है, यूरोप हो सकता है, या कोई भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आई थिंक सभी को पता होगा परसेंटेज। इसके बाद नेक्स्ट कैरेट, ये क्या है आपका? कैरेट। इसके बाद नेक्स्ट आता है एम्परसेंट। एम्परसेंट जो कि आपका एंड के तौर पे काम होता है इस पे। नेक्स्ट आता है आपका जो स्टार का साइन होता है इसको बोलते हैं एस्ट्रिक्स। एस्ट्रिक्स। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं छोटा ब्रैकेट, बट इसका नेम होता है पैरेंथेस। पैरेंथेस। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो क्या है आपका? प्लस साइन, जो कि किसी भी वैल्यू को प्लस करने के लिए यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट आता है आपका अंडर स्कोर, जो आपके किसी भी कंटेंट के नीचे यूज किया जाता है, अंडर स्कोर। एंड नेक्स्ट इज माइनस। माइनस जो किसी वैल्यू में से लेस करने के लिए यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट आता है कॉलन। कॉलन एज अ रेशियो इसका यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेमी कॉलन, जहाँ पे एज अ पूर्णग्राम भी कभी कभी इसको यूज करते हैं, बाकी कोडिंग में इनका थोड़ा डिफरेंट टाइप से यूज होता है। एंड इसके बाद आता है आपका एपेस्ट्रोफ। एपेस्ट्रोफ जो आपका ऊपर एज अ कॉमा यूज होता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एपेस्ट्रोफ। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कॉमा, जो किसी भी वैल्यू को डिवाइड करने के काम आता है। डिवाइड का मतलब यहाँ से ये डिफिनेशन चेंज हो गई, तो इसको बोलते हैं कॉमा। एंड नेक्स्ट इसके बाद आता है फुल स्टॉप, जब पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है तब इसका यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लेस देन। लेस देन। एंड नेक्स्ट इज ग्रेटर देन, आई थिंक सभी को पता होगा ग्रेटर देन। एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। एंड नेक्स्ट स्लैश, जिस जहाँ पे दो वैल्यू होते हैं उनमें से कोई एक को डिफाइन करने के लिए स्लैश बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इज कर्ली ब्रैकेट, जो स्मॉल और ब्रैकेट टू ये होते हैं इनको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, स्मॉल का फॉर्मेट अलग होता है, ये कर्ली ब्रैकेट है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्क्वायर। स्क्वायर ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट भी बोलते हैं इसको। एंड नेक्स्ट इज इक्वल टू। इक्वल टू। तो ये आपके आज के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर साइन थे जो आपके कीबोर्ड से लिए गए थे, और ये साइन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो इन सभी साइंस को आप पूरी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा सभी के नेम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज का कंटेंट यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो पर कमेंट जरूर करना जैसा आपको वीडियो लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।